हाय, मेरा नाम है स्वरा पटेल। वैसे मैं हूँ गुजरात से, अहमदाबाद से, लेकिन अभी मैं रह रही हूँ केरला में, त्रिवेंद्रम में। मेरे हस्बैंड की जॉब इधर है। मेरी एक बेटी है जो 13 साल की है और मैं 35 ईयर्स की हूँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत ही अच्छे दिन से स्टार्ट की थी। जिस दिन मेरा बर्थडे था उसके 4-5 दिन पहले सुमंदी का मुझे कॉल आया था। फिर मैंने एक बार सोचा भी कि सुमंदी को बोलूँ कि मंडे से मैं स्टार्ट नहीं कर सकती, मेरा बर्थडे है। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि एक दिन एंजॉय कर लो अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अपने बर्थडे के दिन ही अपने आप को मैं गिफ्ट देना चाहती हूँ कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी अभी ख़त्म करूँगी। क्योंकि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी बहुत काफ़ी लंबे समय से अपने साथ कैरी करके चल रही हूँ। मैंने बहुत ही अलग अलग तरीके से अपने वेट लॉस करने का ट्राई किया है। मैंने सब कुछ ट्राई किया है। मेरा वेट लॉस होता भी था, 4-5 kg वेट लॉस होता था, उसके बाद उससे ज़्यादा बढ़ जाता था मेरा वेट। तो मैं काफ़ी परेशान होती थी, मेरी बॉडी भी उसकी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था। मेरी लोअर बेली काफ़ी बढ़ गई थी, मेरे हिप्स काफ़ी बढ़ गए थे, थाइस काफ़ी हैवी थे, क्योंकि अलग अलग तरीके से वेट लॉस करने की वजह से मेरे कुछ बॉडी पार्ट पे बहुत ही ख़राब तरीके से असर हुआ था। सो मैंने सोचा कि मुझे अपना वेट लॉस जर्नी कुछ भी करके अभी ख़त्म करना है। तो मैंने अपना वेट लॉस जर्नी अपने बर्थडे के दिन ही स्टार्ट किया था। सुमन दी काफ़ी सपोर्टिव है, उन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया है। वो कभी भी कॉल करे अच्छे से आंसर करती है। कभी भी हम कंफ्यूज होते हैं तो उनको मैसेज करते हैं तो तुरंत ही उनका ऑडियो मैसेज आ जाता है कि आप कुछ भी टेंशन मत लो, मैं आपको कांटेक्ट करूँगी। तो सुमन दी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ये वीडियो सुमन दी के लिए ही है कि मेरी पूरी लाइफ में आपको थैंक यू बोलूँगी और आपके लिए मैं प्रे करूँगी, क्योंकि मेरा ये वेट लॉस आपकी वजह से ही हुआ है, जो बहुत ही मैजिकल है मेरे लिए, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मैं 93 की थी, 93 kg की, जब तब मैंने सोचा था कि चलो 70 तक पहुँच जाऊँगी तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि 70 भी मैं नहीं सोच पाती थी कभी कि मैं 70 तक पहुँचूँगी। लेकिन अभी मैं 55 kg की हो गई हूँ, सो वो तो मेरे लिए एक मिरेकल है। तो सुमन दी मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मिरेकल है, जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं 5 की लाइन में कभी जाऊंगी। क्योंकि मैं तो सोचती थी कि 70 हो जाए तो भी बहुत है मेरे लिए, क्योंकि 93 से मैं 80-85 तक आती थी, लास्ट टू लास्ट 85 आती थी, फिर वापस चली जाती थी 90 के लाइन में। सो वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता था, क्योंकि मैं कुछ भी करती थी तो मैं अपना वेट प्रॉपरली लॉस नहीं कर पा रही थी। तो सुमन दी को मेरा दिल से थैंक यू है कि आपने मेरा इतना अच्छा साथ दिया। और मेरी वेट लॉस जर्नी में काफ़ी बार इतना प्रॉब्लम भी आया है कि मैं 1-1 महीना तक बाहर रही थी। जब मैं अपने गुजरात जाती थी तो मैं अपना वेट लॉस इतना अच्छे से कैरी नहीं कर पा रही थी, फिर भी सुमन दी ने मुझे सपोर्ट किया था। मैं 1.5 महीना जब गुजरात थी के बोले कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं आपके साथ हूँ, मैं जो बोलूँ आप करो, तो वहाँ भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आने के बाद मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी वापस से कंटिन्यू की तो सुमन दी ने मुझे बोला था कि आप प्रॉब्लम मत करना, मैं आपको पूरा साथ दूँगी, आप अपने वेट लॉस जर्नी में वापस जाओगे। तो मेरा उसके लिए भी आपको थैंक यू है कि आपने मेरे प्रॉब्लम को समझा। मैं कॉन्स्टिपेशन की मुझे बहुत ही प्रॉब्लम थी, मैं चूरन लेती थी, सब फूड लेती थी। सो मेरा अभी वेट लॉस होने के बाद वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है। मेरी पीरियड साइकिल में भी बहुत प्रॉब्लम थी, सो उसमें भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मेरा हेयर फॉल कम हो गया है, B3, B12 मेरा सब कुछ कम था, जो अभी सब कुछ अच्छे से हो गया है मेरा कवर। मेरी वेट लॉस जर्नी की वजह से मैं अपनी हेल्दी लाइफ कैरी करने लगी हूँ, जिसकी वजह से मेरा बॉडी में जो भी प्रॉब्लम थी वो अपने आप धीरे धीरे से प्रॉब्लम मेरी सॉल्व होने लगी है। वैसे मैं इसको वेट लॉस जर्नी तो नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने कभी फील ही नहीं किया कि मैंने वेट लॉस जर्नी में हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही एंजॉय किया है। सुमन दी की सारी रेसिपियाँ इतनी अच्छी होती थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ। कई कई बार तो ब्रेकफास्ट में मेरी डॉटर और मेरे हस्बैंड भी वो खाते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत मज़ा आता है, जो पराठे वो सब देती है सुमन दी। और रात को भी मैं बहुत ही एंजॉय डिनर करती हूँ, उनके सीरा की रेसिपी, मैंने केक भी खाई है, मैंने सब कुछ खाया है। सो मुझे, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि मैं वेट लॉस में हूँ। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल में अभी अपने आप को डाल रही हूँ, जो मैं बहुत ही एंजॉय कर रही हूँ। मैं
वेजिटेबल खाने से इतना भागती थी। मेरे हस्बैंड मुझे काफ़ी बार बोलते थे कि तू कभी भी वेजिटेबल नहीं खाती है, और अभी सबसे ज़्यादा घर में वेजिटेबल मैं खाने लगी हूँ। सो सुमन दी की वजह से मैं पूरा कोई भी वेजिटेबल खाने से भी कतराती नहीं हूँ, मैं पूरा दिन अब वेजिटेबल ही खाती हूँ, ऐसा बोल सकते हो आप लोग। सो मैंने अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट कर लिया है। ऐसा नहीं है कि मैं वेट लॉस जर्नी में थी, मैंने ये जर्नी बहुत एंजॉय की है वेट लॉस की अपनी। फ्राइडे नाइट को मैं वेट करती थी कब डाइट प्लान आएगा, मैं अभी सोचूंगी कि अभी मुझे क्या करना है। मैं फ्राइडे नाइट की रेसिपी, फ्राइडे नाइट को अपनी नेक्स्ट वीक की रेसिपी के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती थी। फिर सैटरडे संडे जाके मैं पूरा लेके आती थी। सो मुझे बहुत ही मज़ा आता था ये सब करने में। ऐसा नहीं था कि मुझे बोर लगता था कि चलो भाई अभी लेने जाना पड़ेगा। मैं अपनी जर्नी बहुत ही एंजॉय करके मैंने की है। वेट तो मेरा लॉस हुआ ही है, पर उसके साथ साथ मेरा ईच लॉस बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं 38 का जींस पहनती थी, अभी मैं 26 का जींस पहनने लगी हूँ। मैं XXL पहनती थी, अभी एक्स्ट्रा स्मॉल में आ गई हूँ। सो वेट लॉस के साथ साथ ईच लॉस बहुत ही अच्छा हुआ है। मेरा लोअर वैली मेरी इतनी सारी थी कि मैं टी शर्ट भी अच्छे से लॉन्ग ही पहनती थी, शॉर्ट पहन नहीं पाती थी। अभी मैं शॉर्ट टी शर्ट भी पहन पाती हूँ। मेरी लोअर वैली भी फ्लैट होने लगी है, मेरे थाइस अच्छे हो गए। मेरे थाइस बहुत ही हैवी थे, आप मेरे आफ्टर बिफोर पिक्चर में देख सकोगे। लेकिन मेरा पूरा बॉडी का फैट लॉस हुआ है, बहुत बढ़िया से हुआ है, जो सब कुछ सुमंदी की वजह से हुआ है। आपको दिल से थैंक यू सुमंदी, मैं आपकी पूरी लाइफ में नहीं भूलूंगी आपको। सो दिल से थैंक यू। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बहुत सारे लोगों के एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेस रिलेटेड टू डाइट एंड रिलेटेड टू वेट लॉस। मेरा शरीर ही ऐसा है कि मैं लूज नहीं कर सकती, मैं 35-40 ईयर्स की हूँ, मेरा मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो है कि मेरा वेट लॉस नहीं होगा। मैंने हर एक एक चीज़ करके देख ली है, मेरा वेट हो ही नहीं सकता। और एक और सबसे बड़ी चीज़, आप मेरी लास्ट होप हो, यहाँ के बाद अगर नहीं हुआ तो कभी भी नहीं हो सकता। सो पॉइंट इज, जब जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं, ट्रस्ट मी, वो लोग वेट लॉस की डाइट तो छोड़ो, वो अपने स्लीपिंग पैटर्न तक ठीक नहीं करते हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ ये ना एक एक्सक्यूज़ है, एक मन की तसल्ली दे देते हैं कि यार चलो धक्के मार दो कि हमारा हो ही नहीं सकता। एक मन की तसल्ली है कि हमारा वेट लॉस कभी ज़िंदगी में कोई करा ही नहीं सकता, हमारा शरीर ही ख़राब है। टू बी ऑनेस्ट, किसी का भी शरीर कभी भी ख़राब नहीं होता। रिसेंटली मेरे पास एक 40 ईयर्स प्लस के लेडी हैं, एंड शी लॉस्ट 11 केजीज इन 1 मंथ, ये रहा उनका। एंड अभी तो बहुत लंबी जर्नी है हमारी, साथ में चलेगी। बट पॉइंट इज कि 40 ईयर्स की लेडी इतना 1 मंथ के अंदर 11 केजी लूज कर गई। सो दिस इज़ लाइक ऑसम। बट ऐसा नहीं है कि उनका मेटाबॉलिक रेट लो था या वो नहीं कर पा रहे या एक्स वाई जी जेड। अनदर पार्ट, यहाँ पे मैं बात करती हूँ स्वरा की। स्वरा जो है वो मैरिड हैं, 35 ईयर्स के हैं एंड 13 साल की उनका बच्चा है। उनका 93 से या 95 केजी से 55 केजी आया है, लाइक ऑलमोस्ट 38-40 केजीज उन्होंने डाउन किया है 3-4 मंथ्स के अंदर, अगर मैं सारे गैप्स हटा दूँ, या 3.5 मंथ के अंदर। एंड उनका जो मैसिव इशू था, दैट्स कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल, पीरियड्स रिलेटेड इशूज़। एंड उनका ना इंचेस बहुत ज़्यादा था, 38-40 वेस्ट का था उनका। राइट नाउ शी इज़ ऑन 28 वेस्ट। एंड सबसे प्लस पॉइंट उनके साथ क्या है कि उनका डेडिकेशन एंड जो कंसिस्टेंसी थी ना, कि नहीं करना है, वो अगर ट्रैवल भी करती थी तब भी उनके साथ ये चीज़ रहती थी कि मुझे एक छान की चीज़ें खानी है, बिल्कुल सोच समझ के। नाउ एग्जाम्पल देती हूँ मैं, मेरा वेट जो था वो 98 केजीज था, एंड जब मेरा लूज हुआ तब वो 58 पे गया। नाउ आई एम लाइक 58-62 के रेशियो के बीच में जंप करते रहते हैं हम ना, खाया तो 63 हो गया, 63 पे रेड अलर्ट है कि वापस लाना है अपने आप को। तो इस तरीके की चीज़ों से हम फिटनेस में रहते हैं, हम अपने आप को ठीक रखते हैं। बहुत सारे इतने सारे लोग हैं जिनके एक्सक्यूजेस नहीं मुकते, मतलब दे आर लाइक कि फुल ऑन एक्सक्यूजेस वाले लोग। मेरे 7 ईयर्स के करियर में जो लोग 2016 में मेरे पास थे मोटे, वो आज भी मेरे पास उसी फॉर्म में ही हैं या उससे प्लस ही हैं, माइनस में नहीं है कुछ लोग। वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा लूज़ किया था और आज वो आज तक उस नंबर ऑफ वेट पे फुल्ली मेंटेन्ड है, मतलब फुल ऑन मेंटेन है। ये सारा जो गेम होता है ना, दिस इज़ लाइक माइंड गेम, सीरियसली माइंड गेम। और सीरियसली स्लीप का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है। एंड अगर सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है, अगर आप अपना वेट डेली बेसिस पे चेक करते रहो, डेली बेसिस पे आपको रेड अलर्ट मिलता रहेगा, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। जब तक आपका वेट डेली बेसिस पे चेक नहीं होगा, आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा आपका लेवल कहाँ जा रहा है, आप कहाँ पे बैठे हो। बॉडी का 5-6 किलो इंक्रीज होता है ना, इतना इंच लॉस में पता नहीं चलता। बट जब 10 केजी तक पहुँच आके क्रॉस कर देते हो ना, आप तब आपको होश आता है कि ओ माय गॉड, सीधा 10
10 kg बढ़ा है. सो इससे बेहतर है जब 2 kg ही बढ़ रहा है तभी अपने आप को फुल स्टॉप कर दो, रोक लो और वहीं से ही अपना चीज़ों को बैलेंस एंड ठीक कर दो. मैं डर के आगे कहते हैं ना डू द ड्यू करती हूँ. अगर मैंने बहुत ज़्यादा कुछ भी हिलावट वाली चीज़ करी है मैं सुबह अपना वेट एब्सोल्युटली चेक करूँगी क्योंकि वहाँ से मुझे एक रियलिटी चेक मिलता है कि शरीर की ये सिचुएशन हो चुकी है या हो रही है. अब हम बात करते हैं स्वरा की. ना थोड़ा सा क्रिटिकल केस था क्योंकि कॉन्स्टिपेशन मैसिव है जिसमें मुझे बहुत सारा प्रोबायोटिक देना पड़ेगा. नाउ प्रोबायोटिक देने के लिए मेरे पास कर्ड है विच इज़ लाइक डेरी एंड उसके साथ साथ मेरे पास है पीसीओडी का भी मेजर केस. नाउ पॉइंट इज कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हम कहीं ना कहीं डेरी को एंटर कर देते हैं जहाँ पे बहुत मैसिव कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है. बट जैसे जैसे वेट शेड होता चला जाएगा पीरियड्स के साइकिल्स जो है और जो पीरियड्स रिलेटेड इशूज है ब्लीड रिलेटेड इशूज है वो साथ साथ सॉल्व होते चले जाएंगे. सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्वरा का डाइट चार्ट. बट उससे पहले पांच बिल्कुल सिंपल मंत्रा जिसकी हेल्प से वेट लॉस एक्चुअली हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट वीक बहुत ही एग्जॉस्टिंग था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था एंड मैंने 3 नाइट से 2-2 घंटे की या 3-3 घंटे की नींद ली. ट्रैवल हुआ, कुछ जगह इवेंट्स अटेंड करे एंड उसके रिजल्ट्स क्या मिला, मेरा सीधा 2.5 kg अब और उसमें मैंने खाया नहीं. सो ये था क्या था, मेरी बॉडी ने वाटर को होल्ड कर लिया, स्वेलिंग आ गई और बॉडी बिल्कुल टूटी हुई है. 2 दिन बहुत अच्छे से नींद ली, अगेन बैक टू नॉर्मल. सो ये सारी चीज़ें ना आपको मैनेज करनी पड़ेंगी अपने टाइम टेबल एंड शेड्यूल के हिसाब से. नाउ अब मैं बात करती हूँ कि 5 मंत्रे. फर्स्ट मंत्रा है स्लीप. आपका 8 घंटे का नींद होना चाहिए, कम से कम 6 घंटे का नींद तो लो लो अगर आपका बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है लाइक मी. सेकेंड पॉइंट ये आता है कि अगर आपका स्लीप पैटर्न ठीक है तब उसके साथ साथ इंटरलिंक करता है वाटर. पानी सिप सिप करके पियेंगे, नींद बहुत अच्छे से चल रही है देन बॉडी से पानी बहुत अच्छे से फ्लश ऑफ हो जाएगा. नाउ थर्ड फैक्टर आता है स्ट्रेस फ्री लाइफ. बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करने का, बिल्कुल किसी के बारे में सोचने का नहीं है, बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहने का. एंड अगर कुछ यू नो अनअवॉइडेबल सिचुएशन है या बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा तो उसके मुँह पर गंदा बोल के पतली गली से निकल लो, कम से कम आपका मन शांत रहे. नंबर 4 डाइट. जो जो चीज़ें जिस जिस समय बताई जाती हैं उस समय लेंगे तभी जाके आपका जो बॉडी है वो एब्सोल्युटली अच्छा रिजल्ट दे पाएगा. नंबर 5 वेट चेक. आपका जो वेट चेक है वो मेक श्योर आप टाइम पर करो, अपना सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद विदाउट क्लोथ्स ऑन योर बॉडी डिजिटल मशीन पे चेक करके किसी को भेजो या किसी के लिए लिखो कि हाँ सुबह का मेरा वेट इतना आया है. एवरी डे आपको ये प्रैक्टिस करना है, एवरी डे. आप मानोगे नहीं, मेरे को 6-7 साल हो गए मैं डेली अपना वेट चेक करती हूँ चाहे कुछ भी वर्स्ट सिचुएशन हो तो मुझे पता होता है मेरे कहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ. अब हम बात करते हैं स्वरा के डाइट चार्ट की. बट डाइट के साथ साथ आपका मेक श्योर टाइमिंग्स जो है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली टू द पॉइंट होना चाहिए. यहाँ पे मैं आपको इतने तरीकों से चीज़ें डाइट बता दूंगी ये वाली, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है. बिकॉज मैंने ये नोटिस करा है, मेरे पास बहुत सारे कुछ बड़े अच्छे लोग आते हैं कि हाँ प्रॉपरली डाइट करते हैं, कुछ बहुत ही बिगड़े हुए लोग भी आते हैं जो सिर्फ डाइट नहीं करते और आप उनसे बात करो क्योंकि हम तो यहाँ पे ज्ञानी बैठे हैं, 6-7 साल हो गए आपा को, उनके इतने एक्सक्यूजेस निकलते हैं हमारी बॉडी ऐसी, हमारा ये ऐसा, हमारा वो ऐसा. टू बी ऑनेस्ट वो जेन्युइनली खाते हैं, वो खाते ही खाते हैं. एंड में क्या है, मैं पेशेंस कम रखती हूँ एंड मेरा जो है पेशेंस लूज हो जाता है, मैं बैच से बाहर कर देती हूँ क्योंकि मेरे को बाकी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं. नाउ अब हम बात करेंगे टाइमिंग्स की. सबसे पहली चीज़, आपको 7 बजे तक उठना है, समझ में 7 बजे तक उठना ही उठना है. उठने के बाद सबसे पहले आप अपना वेट चेक करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे डे विद मॉर्निंग ड्रिंक. नाउ मॉर्निंग ड्रिंक अगर मैं यहाँ पे आपको एक ड्रिंक बता दूँ कि इससे पूरा 3 महीने का डाइट चला है, ये रॉन्ग है. मैंने उन्हें वेराइटीज़ की ड्रिंक्स पिलाई हैं मॉर्निंग ड्रिंक में, जूसेस पिलाए हैं मॉर्निंग ड्रिंक में. डिपेंड करता है उनकी हेल्थ सिचुएशन कैसी और डिपेंड करता है आपकी हेल्थ सिचुएशन कैसी अगर आपका भी सेम केस है तो. सो मॉर्निंग ड्रिंक कितने बजे लेंगे हम, 7:30 बजे से पहले या 7:45 बजे से पहले. मॉर्निंग ड्रिंक कैसे बनानी है चलते हैं किचन में. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्निंग ड्रिंक. सो फर्स्ट मॉर्निंग ड्रिंक में मेरे पास यहाँ पे है बेसल सीड का वाटर. ये 1 चम्मच बेसल सीड था जो मैंने 1 गिलास पानी में सोख करके रखा था. ये समर्स के लिए बहुत बेस्ट काम करेगा एंड स्पेशली कॉन्स्टिपेशन के लिए. सो ये वाला वाटर हम लेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, नेक्स्ट वाटर है हमारा केसर एंड किशमिश का वाटर. ये सोक्ड किशमिश की है मैंने, 6-7 किशमिश ओवरनाइट सोक्ड थी एंड 4-5 केसर के धागे. ये वाटर हम तब लेंगे, फॉर एग्जांपल आपके जो पीरियड्स का डे है वो 1 हफ्ते के बाद है. सो उस पूरे वीक मॉर्निंग ड्रिंक हम ये वाला ड्रिंक लेंगे, केसर एंड किशमिश का वाटर. किशमिश हम सोख की हुई निकाल के खा के च्यू करके ले लेंगे और जो केसर है इसको हम हल्का गर्म करके स्ट्रेन करके इसका वाटर लेंगे.
इससे पहली चीज क्या होगा, अगर आपका कोई भी पुराने सिस्ट है सो वो आपके रिजॉल्व होके बाहर ब्लीड के थ्रू निकलेंगे. अनदर पार्ट इज आपका पीसीओडी क्योर होगा एंड जो पीरियड्स के क्रैम्प्स पड़ते हैं पीरियड्स पीसीओडी केसेस में उसमें आपको बहुत अच्छे से रिलीफ मिलेगा एंड हेल्प मिलेगा. अनदर पार्ट यहाँ पे मेरे पास है, जैसे ही आपके पीरियड्स ओवर होंगे एंड नॉर्मली आप अपना मॉर्निंग ड्रिंक चालू करेंगे या तो आप बेसल सीड का वाटर लेंगे या फिर आप चिया सीड्स का वाटर लेंगे. ये एक चम्मच चिया सीड एक गिलास पानी में मैंने सोक करके रखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नींबू से दिक्कत है सो नींबू हम इसमें नहीं डालेंगे. अगर आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, खट्टी चीज़ आप बर्दाश्त कर सकते हैं, देन इसके अंदर आप हाफ लेमन का जूस भी ऐड करेंगे. इस मॉर्निंग ड्रिंक में हम लेंगे एशगार जूस. फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत मैसिव बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो चुका है एंड आपका कुछ भी खाने का लेने का मन नहीं है एंड आप 2 से 3 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी आपको फ्रेश नहीं हुआ है, ऐसे सिचुएशन में हम लेंगे हमारा एशगार का जूस. नाउ एशगार इज वाइट पेठा, लोकल हमको सब्जी मंडी में इजीली मिलता है एंड इसका जूसर में हम जूस बनाएंगे. मैंने बहुत बार इसका रेसिपी बताया है एंड इट्स वेरी सिंपल. ओके सो ये रहा हमारा एशगार का जूस एंड इट्स रेडी. वेलकम बैक जी. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट के टाइमिंग की. ब्रेकफास्ट के टाइमिंग्स जो होंगे वो 9:30 बजे से पहले हम ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेंगे. फॉर एग्जांपल बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ होती हैं, वो सुबह 5 बजे उठती है और नाश्ता करती है 10 बजे. पति को भेजेंगे, बच्चों को भेजेंगे, इन लॉज को टेक केयर करेंगे, घर की सफाइयाँ कराएंगे, फिर कहीं जाकर नहाकर खाना खाएंगे. टोटली रॉन्ग. आपका नाश्ता पहले होना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पूरा घर को हैंडल करना है. आपकी बॉडी में फ्यूल डलेगा तभी आप भाग भाग के अपना काम काज संभाल पाओगे. जब बात आती है 9:30 बजे की तो ऐसा नहीं है कि 9:35 पे भी कर लिया, 10 बजे भी कर लिया. आप 8:15 बजे से अपना टाइमिंग चालू करोगे, 8:15 बजे डेडलाइन है, हमें करना ही करना है. बट अगर नहीं हो पाया तो 9:30 बजे मैक्स स्ट्रेच है, मैक्सिमम स्ट्रेच. नाउ नाश्ते के अंदर हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है बहुत ही अच्छे से यमी से वेजीज कटलेट, जो कि बनेंगे हमारे मिलेट्स के साथ. मिलेट्स इतना अच्छा सोर्स है फाइबर का, मिलेट्स इतने अच्छा काम करती है बॉडी के अंदर, स्पेशली कॉन्स्टिपेशन एंड पीसीओडी केस के अंदर वेराइटीज ऑफ मिलेट्स हैं. चलते हैं किचन में और बनाते हैं मिलेट्स की टिक्की. अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट में मैं बहुत टाइम से अच्छे से यूज कर रही हूँ मिलेट्स. अब पॉइंट है कि बहुत सारे मिलेट्स अलग अलग वेराइटीज़ के हर एक एक शॉप पे मिलते हैं, ऑर्गेनिक स्टोर पे मिलते हैं, आपको पतंजलि के स्टोर पे मिलेंगे, आपको कोई भी लोकल बाज़ार में भी मिल जाएंगे. एंड मैं तो मिलेट्स की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ कि मैं मेरे ख्याल से पिछले 7 से 8 महीने से दिन में एक बार मिलेट्स ऐड करती हूँ विद दाल. मेरे इंस्टा पे मैं बहुत सारी इस टाइप की स्टोरीज भी पोस्ट करती हूँ. सो हम इसको अपनी डाइट में ऐड करेंगे. कैसे भी मिलेट्स आप ले सकते हो, कोई भी मिलेट्स ले सकते हो जो भी आसपास लोकल मिलेगा. रिसेंटली मैं येवला यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं इस पर स्विच करूँगी, फिर इस पर स्विच करूँगी मिक्स एंड मैच करके. सो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वे टू एक्सपेंसिव वाले लेने, कोई सा भी लोकल मिलेट्स जो भी आपके घर के आसपास आपको मिल रहा हो आप वो वाले पिक कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपको मिलेट्स नहीं मिल रहे हैं, देन आप मल्टीग्रेन दलिया यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी मल्टीग्रेन दलिया, बार्ले का दलिया. जब भी संजना ऑफ पे जाती है या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, मुझे पता है नेक्स्ट डे मेरा ब्रेकफास्ट स्किप होने वाला है, सो उस टाइम पे मैं जो मिलेट्स होते हैं या दलियाज जितने भी होते हैं हम इसको बॉईल करके फ्रिज में लगा देते हैं, जस्ट नॉर्मल बॉइल्ड इट और इसको फ्रिज में हम स्टोर कर देते हैं. सो अब हम बनाएंगे ब्रेकफास्ट रात के बॉइल्ड दलिया का, हम किस तरीके से मॉर्निंग में सिंपल सा ब्रेकफास्ट बनाएंगे. यहाँ पे मेरे पास है 2 बॉइल्ड आलू, उसको हम इसमें मैश करेंगे अच्छे से. ओके नेक्स्ट मेरे पास है यहाँ पे बॉइल्ड हमारे मिलेट्स, इसको 2 से 3 चम्मच मैं इसमें ऐड करूँगी जितना भी मुझे. मेरे को 4 टिक्कीज बनानी है, उसके लिए मेरे पास 3 चम्मच जितना मिलेट्स हैं. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़े से मेरे प्याज, बारीक कटे हुए प्याज. ओके नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है कैरेट, 1 गाजर कद्दूकस की हुई मैं इसमें ऐड करूँगी. ओके नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूँगी मेरा सॉल्ट एज पर द टेस्ट, नेक्स्ट पिंच ऑफ हिंग पाउडर, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, नेक्स्ट कस्तूरी मेथी, सूखा धनिया का पाउडर. इन सबको हम खूब अच्छे से अभी मिक्स करेंगे. नेक्स्ट मेरे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल लगाया है, घी, एंड अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कीज़.
की हमारी टिक्कीज एंड अब हम इसे अच्छे से नॉन स्टिक पैन पे कुक करेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, घी फ्यू ड्रॉप्स। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हियर वी गो। इसको खाने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको होममेड किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये हमारी इमली की चटनी है, होममेड विदाउट शुगर, सो ये बहुत यम्मी है। इसकी जो रेसिपी चाहिए तो मैं इंस्टा पे अपनी रील पे पोस्ट करूंगी, एंड वन टाइम में वी कैन हैव 4 टिक्कीज। एंड यस, दिस इज रेडी। आप इसके साथ मिल्क टी एंड कॉफी भी ले सकते हैं विदाउट शुगर। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत मैसिव और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एंड आपको मतलब अच्छी फीलिंग नहीं है, सो यहाँ पे ये रही मेरे पास टिक्कीज। हम 2 टिक्कीज यहाँ पे लेंगे एंड इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी कर्ड। नेक्स्ट इसके ऊपर हम डालेंगे हमारी थोड़ी सी होममेड कोई भी चटनी चलेगी साथ में। हमने परसों तरसों इमली की चटनी बनाई क्योंकि हमारे घर में खूब सारे गेस्ट आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से अनार एंड इस तरीके से हम चाट बना के इसको खाएंगे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, आपको अब ये टिक्कीज खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आपकी श्रद्धा खत्म हो गई है टिक्कीज खाने की, आप डेली बेसिस पे टिक्की नहीं खा सकते, आप लेंगे वेराइटीज ऑफ दाल के चीले। मेरे चैनल पे बहुत सारी दाल के चीलों की रेसिपीज, आप कोई भी चीला पिक कर सकते हैं, 1 or 2 चीला, एनी चीला एज पर योर चॉइस। बट सच अ सिंपल वाला चीज अगर मैं आपको दूं यहाँ पे, आप ना 50% बार्ले और 50% ज्वार के मिक्स एंड मैच करके 1 या 2 चपाती बना सकते हैं किसी भी ड्राई सब्जी के साथ। नाउ जो जो लोगों को ये प्रॉब्लम है PCOD प्लस कॉन्स्टिपेशन की, मेक श्योर आप कोई भी सब्जी बना रहे हैं, किसी भी टाइप की सब्जी बना रहे हैं, उसमें जो ऑयल आप यूज़ करेंगे वो सरसों का यूज़ करेंगे, मस्टर्ड ऑयल। और किसी भी टाइप की रेसिपी में कोई भी तरीके का मिर्ची हम नहीं ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम क्या लेंगे, चलते हैं किचन में। लेट्स टॉक अबाउट मिड ब्रेकफास्ट। मिड ब्रेकफास्ट के अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट, एप्पल, ऑरेंज, पेयर, बनाना एंड अभी प्लम्स आ जाएंगे मार्केट में, पीचेस आ जाएंगे, कोई भी एक सीजनल फ्रूट हैंडफुल यहाँ पे है, एप्पल एंड 1 ऑरेंज, जो भी फ्रूट्स हैं उनको हम मिक्स एंड मैच करके भी इजी ले सकते हैं। नाउ मिड ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होना चाहिए वो होना चाहिए 10:30 बजे से लेके 11:30 बजे के बीच में। अगर आप मिड ब्रेकफास्ट स्किप करोगे आपको लंच तक इतनी तेज भूख लगेगी आप बिल्कुल ओवर ईट करोगे। कुछ लोग सोचते हैं यार क्या कैरी करना है मिड ब्रेकफास्ट, क्या कैरी करना है इवनिंग टी, भाई साहब एक एक चीज़ यहाँ पे वैल्यू करती है, एक एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर एक एक चीज़ का वैल्यू है। सो कोई भी मील स्किप नहीं करने का ना। अब बात करते हैं हम लंच की। नाउ लंच में हमारा टाइमिंग्स क्या रहेगा, 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक का। नाउ मेरे पास इतने ज्ञानी लोग बैठे हैं जो अपना लंच करते हैं 4 बजे तक, खा तो वही रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, इससे आपका वेट लॉस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। बहुत तरीके के लोग होते हैं जिनको बोला जाए कि 12:30 बजे से लेके आप 2:30 बजे के बीच में लंच करेंगे, तो उनका लंच का टाइमिंग्स क्या मैटर करता है, 12:30 बजे या 1 बजे। मैक्सिमम आपको कोई मेडिकल सिचुएशन हो गई हो या कोई इमरजेंसी हो गई हो तब आप जाके अपना लंच का टाइमिंग स्ट्रेच करो 2:30 बजे तक का, बट 3 बजे का 4 बजे का नहीं करने का। सो लंच में हम क्या क्या ऑप्शंस लेंगे, चलते किचन में। अब हम बात करते हैं लंच की। नाउ लंच के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। ए पार्ट, कर्ड के अंदर सोक किए हुए ओट्स, जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, वेट लॉस भी होगा। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है देन उसके लिए हम सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे। सो सबसे पहले हम बना रहे हैं यहाँ पर सोक्ड ओट्स विद सैलड। ये रही मेरे पास कर्ड। 3 बड़े चम्मच दही हम एक कंटेनर में डाल लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे ओट्स, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच एंड 4 चम्मच। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, डल गया, खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेरे खीरे। सबसे पहले मैंने इसमें डाला मेरा 1 कुकम्बर। नेक्स्ट थोड़े से प्याज,
नेक्स्ट थोड़े से मेरे टमाटर, इन सबको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे भुना हुआ जीरे का पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, अगेन हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अब हम फ्रिज में लगा देंगे 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए, एक घंटे के लिए, दो घंटे के लिए, मैक्सिमम दो घंटे के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एंड उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है एंड इसको हम एज अ लंच की तरह शेक करके लेंगे। लंच के लिए हम बनाने जा रहे हैं सोया चंक एंड दाल का सैलेड। यहाँ पे मेरे पास 15 से 20 सोया चंक है जो मैंने एक घंटा पहले सोक करके रख रखे थे गर्म पानी में। अब हम इसको पानी से रिमूव करेंगे और ये रही मेरे पास 2 चम्मच जितनी मूंगे की सोखी हुई दाल एंड इसको भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ये मैंने एक घंटा पहले सोख करके रखी हुई थी, जस्ट 1 आवर पहले। एंड यस ओके, ये रहा मेरा पैन, ये गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैं डालूँगी ऑयल। सबसे पहली चीज़ इसमें हम डाल लेते हैं जीरा। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले प्याज, नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे टमाटर, अब हम डालेंगे इसमें मसाले हमारे। सबसे पहले जाएगा हल्दी पाउडर, नेक्स्ट पिंच ऑफ सॉल्ट, नेक्स्ट थोड़ा सा हिंग पाउडर, थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारी शिमला मिर्ची, एक शिमला मिर्ची डालेंगे। और काफ़ी लोगों को शिमला मिर्ची से एसिडिटी होती है, बट शिमला मिर्ची कट करके अगर आप 3 से 4 मिनट के लिए गर्म पानी के अंदर सोक करके रखेंगे, उसके बाद स्ट्रेन करके इसको यूज़ करेंगे, 1% भी एसिडिटी नहीं होगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे हमारे सोयाबीन, नेक्स्ट दाल, 2 चम्मच इतनी दाल है ये बस। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे बिल्कुल 1 करछी जितना पानी। इसको अब हम ढक देंगे बहुत ही अच्छे से, इसको पकने देंगे सिम आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए। ये सैलेड बिल्कुल रेडी हो चुका है अभी। इसके ऊपर हम डालेंगे 1/2 लेमन जूस एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक जी। अगर आपको ये भी ऑप्शंस लंच का पसंद नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट इन 2 लंच के ऑप्शन से आपकी पूरा लाइफ नहीं चल सकता, पूरा 3 से 4 महीने नहीं चल सकता, वेट लॉस जर्नी नहीं चल सकता। इसके अलावा हम लेंगे यहाँ पे ओट्स एंड कर्ड की खिचड़ी, ओट्स किनोआ एंड कर्ड की खिचड़ी, या फिर अगर आपको ये भी पसंद नहीं है, आप वेराइटीज़ ऑफ रायते अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। कुकम्बर रायता है, बीटरूट रायता है, घिया का रायता की रेसिपीज़, ये सारे मेरे चैनल पे है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन सब के अलावा भी जब पीरियड्स के डेज आपके पास, आप कर्ड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। सो ऐसी सिचुएशन में हम क्या लेंगे, मेरे चैनल पे वेराइटीज़ ऑफ सैलड्स है। करेले का सैलड है मेरे चैनल पे, मेरे चैनल पे घिया एंड आलू का सैलड का रेसिपी है, घिया एंड पनीर का सैलड का रिसेंटली रेसिपी है, लोबिया का सैलड मैंने रिसेंटली ऐड करा है। एनी सैलड, कोई सा भी सैलड एज पर योर चॉइस आप ले सकते हैं। अगर आपको स्मूदीज लेने का या कोल्ड कॉफ़ी लेने का मन है, वो भी मेरे चैनल पे बतेरी रेसिपीज, आप इनमें से कोई भी एक स्मूदीज और कोल्ड कॉफ़ी का रेसिपी पिक करो एंड वो आप ले सकते हैं। मेक श्योर किसी भी स्मूदीज और कोल्ड कॉफ़ी के अंदर आप फुल फैट डेयरी का मिल्क यूज़ नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं इवनिंग टाइम की। इवनिंग टाइमिंग के जो स्नैकिंग के टाइमिंग होते हैं, वो होते हैं हमारे 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। अब बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं कि हम तो ऑफिस से घर वापस जाएंगे ही 6:30-7 बजे, हम तो तब लेंगे, कैरी नहीं करना आता आपको चीज़ों को, कैरी तो करेंगे ना जहाँ पे आप आपके लिपस्टिक, ब्लश, आपके परफ्यूम्स कैरी करते हो, तो आप यहाँ पे भी ये भी कैरी कर लो। सो इवनिंग के टाइम पे हम क्या लेंगे, रिसेंटली मैंने अपने चैनल पे डाली थी पील टी, ऑरेंज की पील की टी। अब मौसम भी आ जाएगी इस सीज़न में, तो हम मौसम्बी की पील की टी बनाएंगे एंड आम, कच्चे आम की टी।
यहाँ पर, तो हम ये वाली रेसिपी पिक करेंगे। एंड इसके अलावा आप इंचलॉस टी हम मेरे चैनल पे बहुत सारे वो पिक करेंगे, कोई सी भी आप हर वीक एक अलग टी को पिक करके चलिए इंचेस लॉस में। अब यहाँ पे आता है कि फॉर एग्जांपल आपको बहुत मैसिव कॉन्स्टिपेशन हो रहा है एंड आपका फिशर पाइल्स तक की प्रॉब्लम आ गई है, सो ऐसी सिचुएशन में इवनिंग के टाइम पे आप ठंडी ठंडी छाछ लेंगे, जैसे 2 स्पून ऑफ कर्ड 1 ग्लास वाटर में ब्लेंड करके आपने छाछ बना के लेना है। बात करते हैं साथ में स्नैकिंग की, ऐसे टाइम पे हम साथ में क्या स्नैक लें। आप खीरा प्याज टमाटर का सलाद बनाएं अपनी इवनिंग टी के साथ और वो खाएंगे विदाउट सॉल्ट। वो भी खाने का मन नहीं, हटा दो हैंडफुल ऑफ मखाना बिना नमक का, वो भी नहीं खाने का मन, हटा दो। अगर बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है एक चीकू खा लो, बहुत अच्छे चीकू आते हैं सॉफ्ट से मार्केट में, वो हम खाएंगे। या फिर उसके अलावा पेयर प्लम्स, बहुत सारे फ्रूट्स मार्केट में वैरायटी में आएंगे, शाम को कोई भी एक फ्रूट अपने लिए पिक करो एंड वो लेंगे। अब हम बात करते हैं डिनर की। ट्रस्ट मी, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, अपने टाइमिंग्स चेंज करो। टाइमिंग्स हमारे डिनर के होने चाहिए 6:30 से 7:30 बजे के बीच का। अगर आपका टाइमिंग्स हिलावट में है तब आपका वेट लॉस ये लगा लो बड़ा डिफिकल्टी से होगा, बट अगर आप सब कुछ कर रहे हो स्टिल आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, ट्राई दिस टाइमिंग का खेलना, 6:30 बजे अपना डिनर कर लो। नाउ डिनर में हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्मूदीज। कैसे बनानी है, मैंगो की स्मूदी या ओट्स की स्मूदी, चलते हैं किचन। डिनर के लिए हम बना रहे हैं यहाँ पे स्मूदी। नाउ स्मूदी के लिए मेरे पास यहाँ पे मैंगो, सीजन में मैंगो की जगह आप प्लम, पीचेस, रास्पबेरीज, जो हमारी मीठी रस मलाई आएंगी वो 8 से 10 भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ये रहा आधा मैंगो, ये डाल दिए मैंने 2 चम्मच जितने ओट्स। नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सी स्मूदी है ये, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वाटर 1 गिलास और अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। वेलकम बैक जी। स्मूदी लेने का मन नहीं है, मेरे चैनल पे दाल की सैलड की बहुत सारी रेसिपीज है, कोई भी एक सैलड पिक करो, दाल घिया पिक कर लो, पेठे की रेसिपी पिक कर लो, या फिर पेठा एंड कोकोनट एंड बीन्स का सैलड मैंने रिसेंटली बनाया, बहुत ही यम्मी सैलड, आप वो पिक कर लो। आपको कुछ भी लेने का मन नहीं है, अंजीर वाला दूध पी लो या फिर आप शीरे ले सकते हो, बट अगर आपके पीरियड्स के डेज पास में है देन आप सैलड ही पिक करेंगे इनमें से। अगर आपका कुछ भी खाने का मन नहीं है, बाउल ऑफ पपाया ले लो, उससे भी आपका जो पेट है वो इनफ रहेगा, भर जाएगा। अगर आप फास्ट वेट लॉस पे जाना चाहते हैं जैसे मैं कर देती हूँ, तो मैं पपाया के साथ 2 कीवी लेती हूँ पूरा 1 वीक एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, बहुत बहुत अच्छा। सो या दैट्स ऑल। एंड अब हम बात करते हैं नाइट ड्रिंक की। नाइट ड्रिंक के अंदर यहाँ पे आप वेराइटीज ऑफ सीड्स का बॉइल्ड वाटर लेंगे और नाइट ड्रिंक का टाइमिंग रखेंगे 9:30 बजे तक का। सिर्फ इतना सा पानी बनता है, आधा कप जितना नाइट ड्रिंक के अंदर। या तो आप जीरा टी लेंगे या अजवाइन टी लेंगे या मेथी टी लेंगे या धनिया सीड्स का टी लेंगे या फिर आप एलोवेरा जूस लेंगे, जैसे 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जूस आधे कप गर्म पानी में। और ये जितनी भी टीज की रेसिपीज़ हैं वो सारा मेरे चैनल पे, आप इनमें से कोई भी टी अपने हिसाब से पिक कर सकते हो। नॉर्मल वाटर का इंटेक हो हमारा 3 से 3.5 लीटर के बीच में एंड सिप सिप करके। सो या दैट्स ऑल, ये पूरा है स्वरा का डाइट। एंड ट्रस्ट मी बहुत तरीके का वेट लॉस होगा, इज्जत से करोगे तो 10 kg 1 महीने के अंदर तो लाइक आराम से निकलेगा ही निकलेगा, और बहुत हेल्दी वेट लॉस होगा ये, उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई गेस या दैट्स इट। एंड या आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। एंड अपने पैसे बचाओ और अपनी सेविंग करो, अपने लिए अच्छे से इन्वेस्ट करो कहीं पे। एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, जो कि होगा PCOD समर का वेट लॉस डाइट चार्ट, जिसमें हम इजीली लूज करेंगे 10 kgs 1 मंथ के अंदर बहुत ही बढ़िया से। एंड वो बहुत सही डाइट चार्ट है, क्योंकि मेरे रिसेंटली क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इतना लूज कर लिया है, सो मैं उनका कुछ ना कुछ चीज़ें आप तक प्रेजेंट करूँगी। सो या दैट्स इट, आई विल सी यू सून देन, टेक केयर जी, बाय बाय।